उद्धव ठाकरे का यह कहना था कि आप कह रहे हैं कि ठीक है कि 2019 में आपने साथ में चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको मैंडेट मिला, सरकार आपकी बननी चाहिए थी, लेकिन उनका यह कहना था कि एक बातचीत उनकी हुई थी अमित शाह के साथ में और उसको लेकर अभी भी थोड़ा सा अनबन चल रही है थोड़ी बहुत, कि उस बातचीत में क्या हुआ। उनका यह कहना था कि उन्हें वादा किया गया था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा सत्ता का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनकी बात को ठुकराया गया, इसके लिए उनको यह करना पड़ा। दूसरी बात, आप खुद भी जानते हैं, आप खुद उस देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, आपको भी पता है कि तब शिवसेना और बीजेपी के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे। उनका यह कहना था कि उनके साथ में दम घुट रहा था, अलायंस नेचुरल खत्म हो गया था और अलायंस सिर्फ सत्ता के लिए बन गया था, इसके लिए उनको सत्ता से दूर जाना, उनके साथ सत्ता नहीं करना ये जरूरी हो गया था। तो उनको उनका कहना है कि वादा खिलाफी बीजेपी ने की, इसके लिए हम लोग ने हमको कांग्रेस एनसीपी के साथ जाना पड़ा। आपको बताया था उद्धव ठाकरे ने कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, वो थे और अमित भाई थे। और जब ये मैंने भी कहा, फिर अभी जो हुआ हुआ, 2.5 साल तो हो गए, अभी हम लोग दुरुस्त करते, जो 2019 को करना चाहिए था दुरुस्त कर देते हम, फिर से हमारे नेचुरल अलायंस पार्टनर के साथ जुड़ते हैं हम लोग। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस एनसीपी के साथ में 2.5 साल मुख्यमंत्री पद होने के बाद बीजेपी के पास चले जाएंगे। 2.5 साल से पहले पहले जब ऐसी बात होने लग गई, हमारे विधायक जो है एमएलए नाराज हो रहे थे, वो मेरे को आके मिलते थे, एक ही तो सुनवाई की जगह थी एकनाथ शिंदे, अभी सब आते थे अपनी दुखड़ा सुनाते थे मुझे, मैं सुनता था, फिर मैं जाके उनको कहता था अभी देखो इसमें सुधार करो, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में जब मैं ये सब जो हुआ है, देखिए ये छोटा, आप जानते हो कितना ये जो कदम उठाया है, लोग अपोजिशन में से रूलिंग पार्टी में जाते, हम लोग रूलिंग पार्टी में थे, मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ 9 मिनिस्टर थे, ऐसा कभी दुनिया में देखा है कि रूलिंग में से अपोजिशन में जाने का कभी, ये कभी सुना है कोई? लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें जो आइडियोलॉजी हमारी पार्टी की थी, हमारे शिवसेना प्रमुख जी जिनको हम बहुत ही श्रद्धेय मानते हैं, उनकी सोच विचार से जब बदलाव होने लगा तब हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के बेटे को ही आपने मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। देखिए पहले तो वो कह रहे थे कि एक शिवसैनिक को बनाऊंगा, मुझे बनना नहीं था, मुझे मैं जब ये कदम उठाया तभी भी मेरे दिमाग में सोच नहीं थी, उनका ही कहना था मुझे नहीं बनना है, तो क्यों बोल रहे कि मुझे उतार दिया। हम लोगों ने किसी को उतारने के लिए या किसी कुर्सी पे बिठाने के लिए कदम नहीं उठाया है, इस राज्य के हित के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए और लोगों के, जनता के जो मैंडेट था उसका रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग ने ये कदम उठाया है। नहीं, लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि बीजेपी के साथ में जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो बीजेपी के साथ खुश नहीं रहे। वहां पर हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से दूर हटा, अकाली दल बीजेपी से दूर हटा, हमेशा बीजेपी के साथ ये दिक्कत रही है इस तरीके से कहा जाता है। शिवसेना के साथ भी यही दिक्कत थी, आपका कई बार बीजेपी के साथ झगड़ा हो चुका है, क्या आप बीजेपी को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं बीजेपी पर कि ठीक है जो हुआ सो हुआ लेकिन अब वो आपको सरकार चलाने देंगे? देखिए 25-30 साल हो गए शिवसेना भाजपा बीजेपी की अलायंस, जब हमारे बड़े साहब थे, बाला साहब जी थे, तभी भी ऐसे कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन तभी प्रमोद महाजन जी, अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी सभी लोग आते थे और जो भी है मसला सुलझाते थे, कहां पर हम लोगों ने कभी अलायंस तोड़ दिया, नहीं तोड़ा। अभी जब देखिए, मैं अभी पूरे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमारे नंबर, जब चुनाव हो गया और चुनाव के नतीजे आए, तभी स्टेटमेंट शुरू हो गया कि हमारे लिए भी सारे दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब क्या है, हम तो चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ, तो ये बोलने की जरूरत क्या थी? और जब भी अगर ऐसा कमिटमेंट हुआ था तो कई बार मोदी जी के सभा में मोदी जी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, तभी ऐतराज करना चाहिए था। और मैं जब ये कदम उठाने के बाद मोदी जी से भी मिला था, अमित भाई से भी मिला था,
उनको भी मैं ऐसे, मुझे तो पूछने का कोई अधिकार नहीं, बड़े नेता है हमारे देश के, राष्ट्र के, लेकिन मैंने ऐसे पूछा कि क्या उसमें सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा, देखिए शिंदे जी, अगर हम लोग बिहार में नीतीश जी को नंबर्स कम होने के बावजूद भी हमारी कमिटमेंट के मुताबिक मुख्यमंत्री बना दिया उनको, और मेरे पास भी 50 थे, उनके पास तो 100 से ज़्यादा थे, ये भी मिसाल थी हमारी कि मेरे पास कम होने के बावजूद भी मुझे मुख्यमंत्री बनाए। वो बोले अगर समझो हम कमिट करते तो एक राज्य हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे पास तो पूरा देश है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे। हाँ, सरकार सत्ता जो है, मिनिस्ट्रीज है, बिल्कुल हम लोग जो 50% जो है या उससे ज्यादा भी वो मांगे, कोई इतराज नहीं था। क्या आपको अभी कमिटमेंट किया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जब आप ये, जब आपकी ये बगावत हुई? बगावत में तो मत कहो, ये रिवोल्ट है, ये उठाव है, क्रांति है। ये मैं कहूंगा कि ये जो है, ये कोई कैसे सिचुएशन में हुआ है, ये कैसी परिस्थिति में हुआ है, ये दुनिया ने देखा है। हमें कोई, मैं कोई कमिटमेंट या मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां नहीं गया था, मैं एक भूमिका था, एक विचार था हमारे शिवसेना प्रमुख जी के, और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने यह कदम उठाया है।